वही सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो रेफरेंस दीजिए इतना साल उस साल में वो हमारे वो जयंत मोहनदास इस स्कूल में पढ़ा है। तो हमारा असम में क्या हुआ जे 79 से 85 तक पूरा बंगाली लोग को घर जला दिया, लगभग ज़्यादातर आदमी का डॉक्यूमेंट जला दिया। तो जला दिया तो हम डॉक्यूमेंट्स किसके पास लेने जाएंगे? असम गवर्नमेंट के पास जाएंगे जो हमको डॉक्यूमेंट्स दीजिए जो हम यहाँ का बासिंदा हूँ। ये दोष किसका है? एनआरसी का दोष किसका है? हमारा डॉक्यूमेंट्स नहीं है हमको सरकार नहीं देना चाहिए, हमारा प्रूफ देने का बात नहीं है, हमको सरकार ने देना है जो हम यहाँ का बासिंदा हूँ, मूल निवासी हूँ। लेकिन क्या हुआ असम में एनआरसी का नाम में हमारा डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। इसका मतलब क्या है जो भारत सरकार ऐसे चल रहा है उसका पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हम भारत सरकार का बासिंदा हूँ ना नहीं है, भारत का बासिंदा हूँ ना नहीं है, उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भारत सरकार किसके कैसे चल रहा है। और दूसरा बात है रंजन गोगोई असम का है, हमारा चीफ जस्टिस है रंजन गोगोई, हमारा सिविल कास्ट का जो एससी एसटी का मुद्दा है उसका अगेंस्ट में हुकुम देता है। जितना उसका हुकुम है ज़्यादातर हमारा एससी एसटी का अगेंस्ट में है। क्यों है? उसका डीएनए करना चाहिए, वो असम का मूल निवासी है ना नहीं है? वो तो असम का मूल निवासी नहीं है, डीएनए का आधार में अगर ब्राह्मीण भारत का मूल निवासी नहीं है तो असम का मूल निवासी नहीं है। इसी हिसाब से रंजन गोगोई अगर भारत का बासिंदा मैंने मूल निवासी नहीं है तो रंजन गोगोई असम का मूल निवासी नहीं है। रंजन गोगोई का बाप दादा चीन से आया हुआ है, थाईलैंड से आया हुआ है और असम में ब्राह्मीण लोग को वो आम लोग बुलाया है असम में, इसलिए ब्राह्मीण और आम का साथ थोड़ा भूसा पूरा है, उसका तालमेल है। इसलिए हमारा अगेंस्ट में रंजन गोगोई पढ़ा देता है। हमारा बाबा साहब का यूपी में बाबा साहब का एक बड़ा पार्क है उसको तोड़ने का ऑर्डर रंजन गोगोई ने दिया है। ठीक असम में एनआरसी का मुद्दा पहले तो रंजन गोगोई उठाया था और बाद में रंजन गोगोई आज का तारीख में रंजन गोगोई का नेतृत्व में असम का एनआरसी मुद्दा चल रहा है। इसका मतलब है रंजन गोगोई ब्राह्मीण का साथ मिला जुला है। भारतीय संविधान हमको क्या बोलता है? हमारा लोग ज़्यादातर धर्म ग्रंथ पढ़ता है, रामायण महाभारत पढ़ता है, लेकिन हमारा जो बाबा साहब दिया हुआ संविधान है हमारा आदमी नहीं पढ़ता है इसलिए नहीं जानता है। भारतीय संविधान बोलता है जो हमारा जन्म से यह होगा तो जन्म के हिसाब से हमारा नागरिक मिलेगा। दूसरा शादी का जो दूसरा जगह से हम शादी किया शायद अमेरिका रशिया से हम शादी करेंगे वो इसका भी नागरिकता तो मिलेगा। असम में क्या हुआ हम अगर हमारा कास्ट का आदमी लड़की शादी किया है तो उसका एनआरसी में नाम नहीं है, लेकिन हमारा जो चीफ मिनिस्टर था हमारा तरुण गोगोई उसका बेटा क्या नाम है इसका गौरव गोगोई रशिया में शादी किया है उसका बीबी का नाम एनआरसी में आ गया। लेकिन हम असम से कोई गांव में शादी किया तो उसका नाम नहीं है एनआरसी में। ऐसा बहुत बात है। अभी आप लोग जाइए थोड़ा नहीं आप संविधान लेके असम या जब असम में जाएंगे तो एक कॉपी संविधान लेके जाइए। संविधान में हमारा बाबा साहब ने हमको क्या क्या अधिकार दिया है
वो जानना चाहिए। आप लोग जितना धर्म कुछ पढ़ता है ना, थोड़ा सा हमारा बाबा साहब का दिया हुआ संविधान भी पढ़िए। आप खुद नहीं पढ़ सकता है तो पढ़ने वाला बच्चे को पढ़ने दीजिए, वो तो आपको समझ बुझाएगा। तो इस हिसाब से आप संविधान को थोड़ा थोड़ा पढ़िए, नागरिक का अधिकार कैसे मिलता है वो थोड़ा आप जानिए। और हम हाल का मूल निवासी हूँ, आज से हजार साल पहले से हम हूँ, यहाँ का ओरिजिनल आदमी हूँ हम। लेकिन हमारा एनआरसी से इतना मतलब नहीं है, हम भारत का मूल निवासी है। आने दो, टाइम आएगा तो हम भी बताएंगे उसको डीएनए के आधार में वो लोग भी विदेशी है, हम असम का मूल निवासी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।